नमस्कार, सत्यम समाचार में रेणु राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। थाना दंडाहार क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में कोऑपरेटिव सचिव की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा अज्ञात वाहन से हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद सपम पोस्टमार्टम कराया। थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गाड़ीवान निवासी 50 वर्षीय संतोष कुमार शर्मा घिरोर में कोऑपरेटिव बैंक में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्रतिदिन की तरह संतोष कुमार बीती देर शाम अपनी स्कूटी से ड्यूटी कर वापस घर जा रहे थे, तभी थाना दन्नाहार क्षेत्र के खर्रा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे संतोष कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संतोष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, साथ ही संतोष के परिजनों को भी हादसे की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मौत कैसे हुई, क्या हुआ? एक्सीडेंट से हुई। कहाँ से आ रहे थे? कहाँ जो ड्यूटी से आ रहे थे, दारापुर से। काय में ड्यूटी करते थे? कोऑपरेटिव में सचिव थे, सोसाइटी में। काय से आ रहे थे, कहाँ पे हुआ? स्कूटी से आ रहे थे, घरोर से मेन पुरी की तरफ आ रहे थे घर। गाड़ीवान मोहल्ले में रहते हैं। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली इसकी? हम लोगों को मोबाइल से मतलब जानकारी मिली है। किसी ने फोन किया, फिर भतीजे के पास, भतीजे ने फोन किया हमारे भाई के पास, भाई ने हमारे पास फोन किया, बड़े वाले भाई ने। पुलिस ने जानकारी दी आपको? पुलिस ने जानकारी दी, भतीजे को दी, उसके बाद हमें जानकारी मिली। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ नहीं पता लगा, गाड़ी का कोई पता। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड भोजपुरा मैनपुरी। विद्यालय की विशेषताएं हैं अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण कार्य, शांतिपूर्ण, प्रदूषण रहित, सुरक्षित एवं शिक्षा उपयोगी वातावरण, बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के आवागमन हेतु परिवहन सुविधा, खेलकूद एवं योग शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटरीकृत अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति, लाइब्रेरी की व्यवस्था, विकलांग, निराश्रित एवं मेधावी छात्रों को समुचित सहायता। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड भोजपुरा मैनपुरी।